हेलो एवरीवन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी आई है। 8th 10th ग्रेजुएट मास्टर डिग्री स्टूडेंट्स यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। मेरिट से जो है यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। बाकी चीज़ें जो है वो हम नोटिफिकेशन में चेक करने वाले हैं, तो अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो सके। जल्द ही जो है आप लोगों को आवेदन जो है इसमें करना पड़ेगा। नेम ऑफ द पोस्ट, पोस्ट का जो नाम रहेगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है, और कितने जो है पोस्ट हैं, सैलरी जो है पर मंथ कितनी मिलेगी, ये भी सब मेंशन है। हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर की वैकेंसी है जो कि केवल वुमेन कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती है। एक पोस्ट है, 35,000 सैलरी है। कॉल ऑपरेटर ओनली वुमेन कैंडिडेट के लिए 8 पोस्ट हैं, 18,000 सैलरी है। आईटी सुपरवाइजर के लिए एक है, 16,000 सैलरी है। मल्टीपर्पज स्टाफ पीएन की दो पोस्ट हैं, 12,000 सैलरी है। उसके बाद जो है यहाँ पर सभी जो है महिला ही जो है कैंडिडेट यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकती हैं। मल्टीपर्पज स्टाफ हाउसकीपिंग 12,000 सैलरी, एक पोस्ट है। सिक्योरिटी गार्ड और नाइट गार्ड में 3 पोस्ट हैं, 12,000 सैलरी है। ठीक है, बाकी जो है लास्ट डेट जो है वो आपको ध्यान में रखनी होगी। जैसे ही मेरा वीडियो आप देख लेते हैं और अगर आप यहाँ पर फॉर्म डालना चाहते हैं तो लास्ट डेट जो है वो आज की ही है, और 5:30 बजे तक जो है आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके जो है जल्द से जल्द भेज दें। तो क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर मांगी गई है, मास्टर डिग्री मांगी गई है। अगर आपने सोशल वर्क से मास्टर डिग्री की है, सोशियोलॉजी से की है, सोशल साइंस से की है या साइकोलॉजी से की है, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है कॉल ऑपरेटर की जो वैकेंसी है जिसमें केवल महिला कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगी। एनी डिग्री, चाहे आपने आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी से भी किया हो, और 1 साल का जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस रहेगा। आईटी सुपरवाइजर में एनी ग्रेजुएट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। मल्टीपर्पज स्टाफ में केवल 10th पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हाउसकीपिंग में भी 8th स्टैंडर्ड और सिक्योरिटी गार्ड नाइट गार्ड में 10th स्टैंडर्ड। तो ये जो है वो वैकेंसी है। अगर आपकी जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पर है तो आप बिल्कुल जल्द से जल्द अप्लाई कर दें, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। थोड़ा लेट ही जो है वो मुझे भी नोटिफिकेशन लेट ही जो है वो मालूम हुआ। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या काम करना होगा, तो ये पूरा जो है इस बॉक्स में लिखा हुआ है। जितनी भी पोस्ट हैं सबका अलग अलग लिखा गया है। ठीक है, और ये वैकेंसी जो है कहाँ से आई है, तो गवर्नमेंट ऑफ पुदुचेरी डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हाउसिंग बोर्ड कॉम्प्लेक्स, यहाँ से जो है वो वैकेंसी है। बाकी चीज़ें और क्या हैं इंपॉर्टेंट जो आपको जाननी जरूरी है अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं। यहाँ लिखा है द ड्यूली फिल्ड इन गूगल फॉर्म शैल बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन ऑन और बिफोर 25 अक्टूबर 2023 एट 17:30 यानी कि 5:30 बजे तक ही जो है आप लोग कर पाएंगे। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर अ मैक्सिमम 2 पोस्ट ओनली, यानी अगर कोई कैंडिडेट सोच रहा है कि 2 या 3 पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए, यहाँ पर लिखा है अधिक से अधिक जो है वो 2 ही पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आप भेज सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले जो है इंस्ट्रक्शन आप सारे पढ़ें। यहाँ पर देखिए बिल्कुल लिखा है द अपॉइंटमेंट इज प्योरली ऑन मेरिट एंड टेम्प्रेरी एंगेजमेंट ऑफ फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट है, और मेरिट के आधार पर जो है यहाँ सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है द मेरिट लिस्ट विल बी अराइव्ड बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, मार्क्स के आधार पर रहेगा। तो इस चैनल पर आप लोगों को बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी जाती है, बिल्कुल आप लोगों को भ्रम में नहीं रखा जाता है। जो भी चीज़ें नोटिफिकेशन में होती हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ। इसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी अगर कोई भी कैंडिडेट जो है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।